मैं डॉक्टर सुचेता शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्प्लांट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, यानी कि इम्प्लांट क्या होता है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है और इससे जुड़े कुछ फ़ायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं, ताकि इम्प्लांट से रिलेटेड डिसीजंस आप बेहतर ले सकें। आप सब ने डेंटल इम्प्लांट का नाम तो सुना ही होगा। डेंटल इम्प्लांट एक दांत को लगाने का तरीका है और यह उन सब तरीकों से बेहतर है जो दांत को लगाने में काम आते हैं, और यही एक तरीका है जो आपके साथ जीवन भर रहेगा। इम्प्लांट सबसे ज़्यादा समय तक आपके साथ रहेगा, आपकी हड्डी को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं डेंटल इम्प्लांट क्या चीज़ है। डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का एक छोटा सा स्क्रू होता है जो कि एक खोए हुए दांत की जड़ बन जाता है। वह आपकी जबड़े की हड्डी के अंदर एक छोटी सी सर्जरी करके लगाया जाता है, और इम्प्लांट लगाने के कुछ महीने बाद दांत लगा दिया जाता है, यानी कैप लगा दी जाती है, जो कि आपके असली दांत की तरह काम करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस रेट 98% है, जो कि किसी भी और तरीके से कहीं बेहतर है। मैं शॉर्ट में उन ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बता देती हूँ जो इम्प्लांट के अलावा डेंटिस्ट्री में हैं दांत लगवाने के लिए, जैसे कि कीड़े लगे हुए दांत को, यानी कि केरियस दांत को, कैविटी जिसमें हो जाती है, उस दांत को RCT करके बचाया जा सकता है। जिनके नीचे की हड्डी मजबूत हो, बाद में उनके ऊपर कैप लगा करके ठीक कर दिया जाता है। जब एक या दो दांत ना हो तो उन्हें ब्रिज लगाकर पूरा किया जाता है, परंतु ब्रिज लगाने के लिए आसपास के दांतों को छोटा करना पड़ता है। जहां पर ब्रिज नहीं लगाया जा सकता, वहां पर निकाल करके साफ़ करने वाले दांत लगाने जाते हैं, जैसे कि डेंचर या फिर RPD कहते हैं। निकले हुए दांतों को लगवाना ज़रूर चाहिए, नहीं तो सालों में बाकी के दांत भी खराब हो जाते हैं और उनको ठीक करवाना काफ़ी महंगा और दिक्कत भरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की। डेंटल इम्प्लांट आपकी बहुत तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दांत को लगाना, जब आपका कोई एक दांत नहीं हो तब सिंगल इम्प्लांट हड्डी में लगाया जा सकता है, जो कि आपके असली दांत की तरह ही काम करेगा। शुरुआत में तो हो सकता है कि ये इम्प्लांट का ट्रीटमेंट आपको थोड़ा सा महंगा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको सस्ता लगेगा, क्योंकि एक इम्प्लांट में दांत की तरह कैविटी नहीं होती, उसमें रूट कनाल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह हमेशा आपको अपना दांत सा लगेगा। और सिंगल इम्प्लांट के अलावा डेंटल इम्प्लांट दो या दो से अधिक दांतों को लगाने में भी मदद करता है। जब आपके दो या दो से ज़्यादा दांत ना हो तो डेंटल इम्प्लांट एक रियल तरीका है। आपको हर दांत के लिए प्रत्येक इम्प्लांट लगवाने की आवश्यकता नहीं है। इम्प्लांट ब्रिजेस के लिए पिलर की तरह काम करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके तीन दांत नहीं हैं तो हम आपके दो इम्प्लांट लगाकर उन पर तीन दांत लगा देते हैं। इस तरह से आपके असली दांत की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम असली दांत को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये तो थी एक या दो दांत लगाने की बात। अब आते हैं सारे के सारे दांत लगवाने की बात पर। इम्प्लांट सारे के सारे दांत लगाने में भी काम करता है। इम्प्लांट ऊपर या नीचे के सारी हड्डी के दांत लगाने के लिए सपोर्ट का काम करता है, और वह दांत फिक्स होते हैं, यानी दांत लगाने के लिए हमें कम से कम 4 इम्प्लांट की ज़रूरत होती है। जहाँ पर हड्डी अच्छी कंडीशन में नहीं हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं। इन इम्प्लांट पर हम 10 से 14 दांत लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इम्प्लांट आपकी हड्डी को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इम्प्लांट निकाल करके साफ़ करने वाले दांत लगाने में भी मदद करता है। निकाल करके साफ़ करने वाले दांत को बेहतर और आरामदायक बना देता है, जिससे आप इन्हें बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकेंगे। नॉर्मल डेंचर मसूड़े की सपोर्ट लेते हैं और हड्डी पर दबाव डालते हैं, जिससे हड्डी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और डेंचर ढीला हो जाता है। परंतु आज के समय में डॉक्टर इम्प्लांट लगाकर यह पूरा का पूरा दबाव हड्डी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि हड्डी के ऊपरी सतह पर दबाव नहीं पड़ता और हड्डी सुरक्षित रहती है। और तो और, यह इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर खाते पीते और बोलते समय गिरता भी नहीं है। आइए अब जानते हैं कि इम्प्लांट की केयर कैसे करें या उससे जुड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं।
ताकि वह जीवन भर आपके साथ रहे। सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो ये कि इम्प्लांट हड्डी छोड़ सकता है और ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। इसके कारण हो सकते हैं ठीक से सफाई ना करना, और सफाई ना करने की वजह से इम्प्लांट के आसपास खाना फंस जाना जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण हो सकता है और इम्प्लांट के आसपास की हड्डी को ख़राब कर सकता है, जिसे कि हम अपनी भाषा में पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको प्रॉपर फ्लॉसिंग करनी है और ब्रशिंग करनी है रोज़ 2 बार। अगर आप ये रोज़ 2 बार करते हैं, सारा फंसा हुआ खाना निकलता रहेगा और आप इस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और हर 6 महीने 1 साल के बीच डॉक्टर से चेकअप करवाना है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इम्प्लांट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना, इसका कारण हो सकता है दांत को कटकटाने की आदत। बहुत से पेशेंट्स में ही देखा गया है कि उनको रात को अनइंटेंशनली दांत कटकटाने की आदत होती है या फिर वो टेंशन में दांत को कटकटाने लगते हैं। ऐसा ना हो, ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए, ऐसे पेशेंट्स को नाइट गार्ड प्रोवाइड किया जाता है जो कि उन्हें रात को पहनना होता है, जिससे कि दांत को वो कटकटाते हैं तो इम्प्लांट पर लोड नहीं पड़ता है। और दूसरा रीज़न इम्प्लांट पर ज़्यादा दबाव पड़ने का ये हो सकता है कि इम्प्लांट की संख्या कम है, ऐसे में एडिशनल इम्प्लांट लगवाया जा सकता है। क्योंकि इम्प्लांट आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा, उसको हमेशा आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है ताकि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। और फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम इम्प्लांट की सर्जरी और उससे जुड़ी कुछ दिक्कतों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इम्प्लांट के बारे में आज इतना ही। और आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।